देश की जनता इस वक्त महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप मालिक तेल कम देकर लोगों की जेब काट रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 35 लीटर की टंकी में 43 लीटर पेट्रोल डालने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। दरअसल हनुमानगढ़ टाउन में चीमनलाल पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक अपनी कार में पेट्रोल डलवाने पहुंचा। उसने कार की टंकी फुल करने को कहा। पेट्रोल डालने वाले ने टंकी फुल होने का दावा किया, लेकिन ग्राहक को शक हुआ कि तेल कम डाला गया है। ग्राहक ने बताया कि उसकी कार में 5 लीटर तेल पहले से ही था और बाद में उसने 43 लीटर तेल डालने की बात कही, जबकि इस गाड़ी की तेल की टंकी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें 48 लीटर तेल आ जाए। जब कार चालक ने हंगामा किया तो वहां भीड़ जुट गई। लोगों ने भी कार चालक का समर्थन किया। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में तेल चेक कराया तो तेल कम निकला, जिसके बाद ग्राहक ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने ग्राहक को शांत तो करा दिया, लेकिन ग्राहक ने पेट्रोल पंप संचालक पर 51,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन पंप संचालक ने ये कहकर मामला रफा दफा करना चाहा कि वो तो बस 21,000 रुपए ही दे सकता है। मामला ये है, भाई साहब गाड़ी के अंदर पेट्रोल था 5 लीटर पहले जी, जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाया 40 लीटर की टैंकी है, इन्होंने 43 लीटर डाल दिया। 43 लीटर डालने के बाद ये आपकी गलती कबूल नहीं कर रहे थे, इन्होंने बुला के मिस्त्री को मैकेनिक को बुला के उसका पेट्रोल निकलवाया, उसके अंदर 42 लीटर निकला जी, जो कि पहले 5 लीटर था। अब उसके बाद में प्रशासन आ गया या जबरदस्ती कर रहे।